ऑफ करो। ये स्विच है ऑफ और ऑन। ऑन ये जो स्विच है आपका, ये मशीन के अंदर लाइट का है, लाइट का स्विच है, और ये मशीन मोटर का रनिंग का स्विच है। अगर आप स्टिच करने में अगर लाइट की प्रॉब्लम है तो लाइट आप जला सकते हैं। इसको ऑन हो गया, अब इसको ऑफ कर देख सकते हैं। या मशीन ठीक है, ये हो गया लाइट का स्विच। तो ये व्हील है, ये व्हील हो, और ये आपका थ्रेड बाइंडिंग का है। ये आपका बॉबिन भरने का प्रोसेस है। इसको हमने यहाँ पे इसके और इससे लॉक कर दिया। अभी यहाँ से स्विच ऑन किया। अब इसको यूज करें, ये बॉबिन ये आपका बॉबिन। अब ये ब्लेड से इसको अरेंज करते हैं। देखो बॉबिन, देखो ये बॉबिन है, ये जो नंबर है ये 0-1 से स्टार्ट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 से है तो वह एकदम 0 स्टिच होगा। अगर 1 इंच में आपको 8 या 9 स्टिच लेना हो तो इसको 3 पे करना पड़ेगा। 3 के बाद ही आपका ये 9, ये 1 इंच में 9 तक किया स्टिच आएगा। ओके, फिर इसी तरह से 5 या 6 पे करेंगे, जितना भी करेंगे 1 इंच में वो घटता जाएगा, 7 या 8 या 6 इस तरह से होता जाएगा। ये देखिए 1 से स्टार्ट है, ये प्रेशर फुट एडजस्टमेंट के लिए। सपोज मानिए कि आप 2 mm या 3 mm का ले रहे हैं तो उस पर 2 या 3 नंबर पे इसको आप चलाएंगे, 3 नंबर पे चलाएंगे। अगर 5 या 6 mm का थिकनेस है तो उसको आप 5 से 6 mm पे चलाएंगे, इसलिए क्योंकि इसमें ये देखिए प्रेशर फुट यहाँ से एडजस्ट कम हो रहा है। ये देखिए, अब ये देखिए जब इसको मूव करते हैं तो ये थिकनेस के हिसाब से ये एडजस्ट होता है। ये प्रेशर फुट एडजस्टमेंट का ये है। ओके ओके, ये जो पार्ट है इससे मुझे लॉक स्टिच लॉक करने का में आता है, रिवर्स स्टिच होता है इससे। ये कैसे होता है देखिए, ये यहाँ से हमने यहाँ से 2-3 इंच किया, फिर बैक किया, देखिए इस तरह से होगा। ये आगे किया, फिर यहाँ से इसको पूरा दबाया तो ये बैक हो गया, फिर यहाँ से चला। ये लॉक करने का बैक रिवर्स स्टिच है ये। ओके ठीक है, करने का प्रोसेस ये है, फर्स्ट यहाँ से इस होल से आएगा इस होल में, फिर यहाँ से फिर अंदर आएगा इस तरफ। ये इस तरफ से आने के बाद फिर इसके अंदर आएगा, इस रॉ से आने के बाद फिर इस तरफ से आएगा यहाँ पे, और इसके बाद
ये आपका निडल बार है, जगह की निडल के लिए यूज होता है, निडल के लिए यूज होता है ये जो है, ये इसके ऊपर ये निडल है अंदर लगा हुआ है, ये निडल इस तरह से लगता है। और ये इसके बाद ये प्रेशर फुट है, ये दोनों प्रेशर फुट है, नीचे वाला ये दोनों प्रेशर, ये प्रेशर फुट है, ये प्रेशर फुट है, मेटल का प्रेशर फुट है वो वाला, ये सेफ्टी गार्ड है, इसी से आपका सेफ रहेगा, फिंगर आगे को, उंगली आगे को नहीं जाएगा, ये सेफ्टी के लिए स्प्रिंग गार्ड लगाए हुए हैं, फिंगर गार्ड लगा हुआ है ये, इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा क्योंकि एक्सीडेंट होने का कम चांसेस है इसके अंदर, इसलिए स्प्रिंग गार्ड ये लगाया हुआ। ठीक है, नी पैडल और ये नी पैडल है, ठीक है, अब इसको नी पैडल के सहारे से इसको हमने यहाँ से उठाया और इसको यहाँ पर रखा, अब जब स्टिच किया, ये आपका स्टिच है, ये मैनुअल प्रेशर फोर्स उठाने के लिए ये है, हैंड मैनुअल, हाँ ये हैंड मैनुअल है, प्रेशर फुट इससे, अगर हाथ से अगर यूज करना है कभी तो हाथ से यूज करते हैं इसको, किसी पार्ट को पैडल से उठाना है इस मशीन में, अब बॉबिन इंसर्ट करना है। सबसे पहली बात तो इस पत्ती को पुश करेंगे, फिर प्लेट को ऐसे पुश करेंगे बैठ, ये आपका खुल गया, अब यहाँ पे ये क्या क्या सेटल है, ये सेटल है, ठीक है, अब इसके अंदर मुझे बॉबिन ही लगाना है। ये बॉबिन कैसे लगाते हैं, ये बॉबिन को, ये थ्रेड है, ये इस तरह से हाथ में लिख लिया और इसको इस तरह से हमने इसमें इसको यहाँ पर डाला, ये यहाँ डाला और इसको इस पार्ट को हमने बंद किया, ठीक है, ये बंद किया। अब ये जो ये कट है, फर्स्ट कट जो है, पहला कट है, इसमें से इस थ्रेड को देखिए, धीरे से आराम से देखिए, ये इसके अंदर से आया और इसको थोड़ा सा खींचेंगे, खींचने के बाद ये यहाँ से, अब ये कट जो है, अब इसमें से ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये यहाँ से आया है और इसके बाद ये, अब ये इससे बॉबिन टॉप धागा और बॉबिन का धागा किस तरह से आएगा, अब देखें, थोड़ा सा व्हील को मुझे मूव करना पड़ेगा, अभी व्हील को मूव करेंगे उसके बाद देखें किस तरह से धागा ऊपर आएगा। देखें ये धागा, ये धागा आपका बॉबिन के अंदर से आ गया, तो ये अब इसका थ्रेड कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें स्टिच, अब स्टिच देख लीजिए, अब ये इस तरह से चलाना होगा मुझे, अब ये देखिए स्ट्रिप से, ठीक है, ये होगा।